अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक शॉपिंग बैग बनाएंगे, तो उसके लिए देखो इस तरह से मैंने ये पीस ली हूँ। मेरा ये मेरा मेन फैब्रिक है, अंदर मैं रबर शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे राइस बैग, बुकरम या रबर शीट या कुछ भी जो भी है आपके पास। तो इस तरह से सबसे पहले हम सिल के इसे रेडी कर लेंगे। इसकी लंबाई ये देखो, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 21 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 35 इंच। इस तरह से ये मैंने ली हूँ। अब यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे ये पूरा। इसे सारे लाइन को मिलाकर इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो इस तरह से ये हमने कटिंग करनी है। अब इसके बराबर हम ये देखो इस तरह से जिप लेंगे और इसके बराबर ये हम एक एक्स्ट्रा पीस लेंगे। ये देखो ये पॉकेट की लंबाई मैंने ली हूँ 8 इंच, ये डबल 8 इंच आएगा। तो इसकी स्टिचिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे। पहले इसे इस तरह से रखेंगे और ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और ये जो हमने 8 इंच की कटिंग किए हैं अभी इस तरह से रखकर ये इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखो ये इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ये टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने टॉप स्टिच कर लिए। अब ये जो नीचे का पार्ट है इसे इस तरह से लेंगे। ये देखो इसे इस तरह से रखेंगे और जो हमने कटिंग किए थे 3 इंच का उसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से ये पूरी स्टिच करेंगे। ये हमने इस तरह से स्टिचिंग करके अब यहाँ पे रनर इंसर्ट करेंगे। देखो ये मैंने रनर इंसर्ट कर दिए। अब इसके बराबर हमने देखो यहाँ पे लाइनिंग वाला पीस नहीं लगाए हैं, इसीलिए ये देखो उसके लिए इस तरह से मैंने ये पीस ली हूँ। ये देखो ये ज़्यादा होगा तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम उसे इस तरह से रखेंगे इसके बराबर। ये देखो ये मैंने जिप ली हूँ, ये रनर मैंने इंसर्ट कर चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह से इसे सीधे पे सीधा रखेंगे और ये इस तरह से रखेंगे। एक्स्ट्रा जो भी बचेगा हम लाइनिंग वाले पीस की कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखकर इसे इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखो यहाँ पे हमने एक बैठने वाली स्टिचिंग भी कर ली है। अब ये जो नीचे का हिस्सा है इसे इस तरह से लेंगे ऊपर के साइड और ये इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इसे यहाँ से लेके जाएंगे इस तरह से, इसे इस तरह से यहाँ पे ये इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमने इस तरह से स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जो हमारा हिस्सा है इसे ओपन करेंगे इस तरह से। ये हमारा ओपन हो गया। अब इसे इस तरह से पीछे करके यहाँ पे एक बैठने वाली स्टिच करेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये देखो इस तरह से हमने दोनों तरफ स्टिचिंग किए हैं। अब स्ट्रैप बनाएंगे उसके लिए। ये देखो इस तरह से इसका फुल इंच 21 है तो इसका हाफ लेंगे हम 10.5 इंच। इस तरह से यहाँ से लेंगे 3 इंच पे निशान और यहाँ से लेंगे 3 इंच पे निशान। यहाँ से लेंगे 1.5 इंच नीचे और यहाँ से लेंगे 1.5 इंच नीचे। ये हमने स्ट्रैप तैयार कर लिए हैं। ये देखो दो, ये 4 इंच का लेकर मैंने 2 फोल्ड करके स्टिचिंग की हूँ। इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ 27 इंच ये मैंने ली हूँ। तो हम इससे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों इस तरह से और यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे और सेम उसी तरह से यहाँ भी इस तरह से फोल्ड करके दोनों और यहाँ पे स्टिच करेंगे निशान लगाने के बाद इस तरह से।
तो ये हम रेडी करते हैं। इस तरह से हमने दोनों स्टेप ज्वाइन कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे और रनर इंसर्ट करेंगे। ये मैंने रनर इंसर्ट कर दी हूँ। अब इसे हम इस तरह से उल्टा करेंगे। ये देखो, उल्टा करने के बाद यहाँ से ये हमने स्टिचिंग करनी है, तो हम स्टिचिंग करते हैं। इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब बेस के लिए हम बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से हम 2.2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से ये दोनों साइड हम निशान लगा देंगे और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे इस तरह से। ये जो हमने निशान लगाए हैं इसे इस तरह से रखेंगे और इसे इस कोने तक जो हमने बेस के लिए लगाए थे यहाँ से इसे मिला देंगे और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे इस तरह से। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो ये हमने निशान बनाया यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग कर लेते हैं दोनों, फिर इसकी कटिंग करते हैं। ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसकी ये जो है एक्स्ट्रा जो हमने हमारे पास बचा है इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने दोनों स्टिचिंग करके कटिंग कर ली हूँ। अब ये जो हमने बेस बनाए हैं इसे इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखो, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसे इस तरह से करेंगे और यहाँ से ये इसकी स्टिचिंग करेंगे और सेम उसी तरह से ये इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमने स्टिचिंग कर ली है दोनों साइड। अब ये हम इस तरह से इसे सीधा करेंगे। ये काफ़ी खूबसूरत सा बना है। ये देखिए, ये ट्रैवलिंग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सामान आ सकता है इसके अंदर। और ये जो हमने एक पॉकेट बनाए हैं ये देखें, ये देखो, ये भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी यूज़फुल है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बड़े साइज़ का बैग है। ये देखें इस तरह से। शुक्रिया।